छोटी छोटी बातों पर शहर में हत्या जैसी गंभीर वारदातें होती हैं। शहर पुलिस के लिए हमेशा से सिरदर्द साबित होने वाली इन हत्याओं पर काबू पाने के लिए पुलिस मनोचिकित्सकों की मदद लेने वाली है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल ने इस आशय की जानकारी दी है। डॉक्टर सिंघल नागपुर श्रमिक पत्रकार संघ, पत्रकार क्लब ऑफ नागपुर तथा तिलक पत्रकार भवन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मीट द प्रेस में संवाददाताओं से चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर सिंघल ने बताया कि शहर में मामूली बातों को लेकर करीबी व्यक्ति की हत्या जैसे गंभीर अपराध करते हैं। बेलतरोड़ी में एक निजी कंपनी के अधिकारी की उसके ही साथियों ने हत्या कर दी। हत्या की वजह भी सामान्य थी। कई हत्याएं छोटी छोटी बातों को लेकर हुई है, इसलिए मनोचिकित्सकों की मदद से अध्ययन करके हत्या की घटनाओं पर रोकथाम लाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ घटनाओं को लेकर पुलिस के कामकाज की समीक्षा करना उचित नहीं है। थानेदारों को हर शिकायत को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इसमें कोताही बरती गई तो थानेदार पर भी कार्रवाई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रदीप जी और शिरीष जी, आज मुझे मौका मिला आप लोगों से बात करने का आणि आनंद होतो आहे, कारण मी 2013 इथे होतो, त्यावेळेस साऊथ सेंटर झोन कल्चर सेंटरचा चार्ज माझ्याकडे होता डायरेक्टर म्हणून, आणि त्यावेळेस एक मोठा इव्हेंट इथे झाला होता, माटी के रंग, इफ यू ऑल रिमेंबर दॅट, अँड इट वॉज अप्रिशिएटेड वर्ल्ड वाईड अँड पीपल स्टील हॅव ब्युटिफुल मेमरीज ऑफ ऑफ दॅट टाईम। तर त्याच्यानंतर आय हॅव सर्व्ह इन डिफरंट एरियाज अँड डिफरंट प्लेसेस, but I continue to remain in touch with most of you. Many of you had met me at different places at different times, and that's what I feel, that this is how I've been attached to you, and I continue to be part of the place where I've served earlier. So, and I think it is that attachment only because of which I am again serving in this beautiful city of Nagpur. And being commissioner of police in Nagpur, I think, is a prestigious thing. क्योंकि इस ये इतना सुंदर शहर है और पिछले कई सालों से जिस तरह से डेवलप हो रहा है, वो एक अच्छी शेप ले रहा है, तो यहाँ पे सर्व करना मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ प्रेस्टिजियस थिंग, और मैं अपने पूरे दिल से शिद्दत के साथ मैं यहाँ पे अच्छे से काम करना चाहता हूँ, और उसमें आप लोग डेफिनेटली आपकी जो भी सूचना सुझाव रहेंगे, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का, सोसाइटी में जो हो रहा है आप वो बताते हैं, वो लिखते हैं। मैंने कभी भी इसको नेगेटिवली नहीं देखा, किसी ने नेगेटिव क्यों लिखा, शायद हो सकता है कि हमारी कुछ कमी रह गई हो तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो मैंने हमेशा देखा। यही मैंने पिछले 27-28 साल की सर्विस में ये सीखा भी है कि आपका एक काम है, मेरा एक काम है, मैं अपने काम को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो मैंने हमेशा कोशिश की है, और वही चीज़ों की वजह से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जो भी आज तक मैंने जहाँ जहाँ पे भी काम किया है। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि मैं पूरा दिल से काम करूँगा यहाँ पे, आप बिल्कुल कहीं भी नहीं देखेंगे कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे कोई गलती करी है। मैं सबसे मिलूँगा, जो भी मेरे पास में लोग आएंगे, ये मेरा काम करने का तरीका है। जो आदमी 200-400 रुपये खर्च करके मेरे ऑफिस तक पहुँच रहा है, वो कुछ खास उससे ही आ रहा होगा, ऐसा मेरा हमेशा मानना है। ये तो सिटी है, परंतु जब मैं रूरल एरियाज में एसपी था, जहाँ तुलिया में या फिर यहाँ पे या नांदेड़ में या नासिक में, तो वहाँ पे जो आदमी आता है 200-400 रुपये, बेचारा गरीब आदमी, क्योंकि उसका काम नहीं हुआ था, क्योंकि उसका केस रजिस्टर नहीं हुआ था, और अगर मैं उससे नहीं मिल रहा तो शायद लगता है मुझे कि मैं अपनी ड्यूटी ठीक से निभा नहीं रहा। तो यहाँ पे भी जो लोग आते हैं, जब तक एंड आदमी चला नहीं जाता तब तक मैं बैठता हूँ, ये मैं जारी रखूँगा इसको। जहाँ तक क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, वो मेन मेरा काम है, एंड आई कंटिन्यू टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। आई वुड डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू रिड्यूस क्राइम इन दिस सिटी, प्लस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दिस सिटी, बिकॉज किसी भी शहर का ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम, अगर ये तीन चीज़ें अच्छी हैं तो वो सिटी के बारे में अच्छा बोला जाता है। अगर ट्रैफिक नहीं है अच्छा तो लोग बोलते हैं देखो इतने शहर में तो ट्रैफिक ही नहीं है, और ये ट्रैफिक अगर ठीक करना है तो उसमें सभी की जिम्मेवारी है, सिर्फ पुलिस की नहीं है, उसमें जो पब्लिक है जो यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, और जो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें सुविधाएँ देना है, ये उनकी भी जिम्मेवारी है।
तो जहाँ पे भी सिग्नल्स की जरूरत है, सिग्नल्स खराब हैं, या जहाँ पे सीसीटीवी की जरूरत है, जहाँ पे साइबर पेट्रोलिंग की जरूरत है, ये सब चीज़ें जो है हम सुधारने की कोशिश करेंगे। बाकी अधिकारी जो यहाँ पे भी हैं, जैसे म्यूनिसिपल कमीशनर हों, कलेक्टर हों, या और भी अधिकारी हैं, वो सब भी काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे हैं, और वो उनसे जब इंटरेक्शन हो, सब लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ कहने के लिए स्मार्ट सिटी ना हो, ये स्मार्ट सिटी हो, यहाँ पे चीज़ें वैसी दिखें, यहाँ के लोग भी स्मार्ट हो, स्मार्ट इन द सेंस कि वो डिसीजन जो लेते हैं वो स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस डायरेक्शन में मैंने अपने स्टाफ को भी जिस तरह की ट्रेनिंग्स देने की जरूरत है, या जो ट्रैफिक की ट्रेनिंग रिलेटेड हो, क्राइम से रिलेटेड हो, या किसी और भी तरह की जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग भी उनको जहाँ से मिलेगी वो ट्रेनिंग्स भी हम देंगे। एक विषय पे मैं काफ़ी सोच रहा हूँ कि यहाँ पे क्राइम या मर्डर्स क्यों इतने होते हैं, उसका साइकोलॉजिकल रीजन क्या है, कुछ ना कुछ कारण है उसका। कि छोटा सा कारण हुआ, तीन दोस्त बैठे हुए हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, उन्होंने अल्कोहल भी लिया है, और एक में गुस्सा आता है, उसका मर्डर क्यों, ऐसा क्यों होता है। ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि इन चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है, इनके बारे में समझने की ज़रूरत है। तो इसमें जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, उनकी भी मैं इसमें मदद लेने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे भी जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन्स मिले हमें, वो हम वेलकम करेंगे, और जो भी इन्फॉर्मर्स हैं वो इंफॉर्मेशन जब हमारे पास में आए तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, ये उस आदमी के ऊपर जो इंफॉर्मेशन जो दे रहा है उसको विश्वास होना चाहिए कि अगर मैंने पुलिस को कार्रवाई के लिए बोला है, कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कुछ क्राइम अगेंस्ट वीमेन, क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन्स, या लैंड ग्रैबिंग के जो इश्यूज हैं वो, या सावकारी से रिलेटेड हैं वो, ये कुछ काफ़ी गंभीर समस्याएं हैं। इसमें जैसे मैं देख रहा हूँ कुछ सीनियर सिटीजन्स, पेंशन धारक लोग जो आते हैं बताते हैं ये सब मियाँ से इन्वेस्ट के लिए होते हैं, तो माजे परत पैसे मिलत नहीं है, कि वो माजे घरावर माजे मुलांनाच कब्जा केलेला आहे, आता ते मला घरी येऊ देत नाही, असे जे वेगवेगळे इश्यूज आहेत, त्या सगळे इश्यूवर मी आपल्या लोकांनाही सेन्सिटाईज करतोय की तुम्ही, तुमच्याकडे जो माणूस येतो आहे, तर तो म्हातारा असेल किंवा महिला असेल, मुली असेल, तर त्यांना तुम्ही आपले स्वतःची, ते तुमचे वडील आहे, आई आहे, किंवा तुमची बहिणी किंवा तुमची मुलगी आहे, हे समजून त्याच्याबद्दल काम करा। आगे उन्होंने कहा कि अवैध धंधे, ड्रग्स माफिया, साहूकारी, महिला अपराध, लैंड माफिया, धोखाधड़ी, साइबर अपराध, वरिष्ठ नागरिकों की शिकायत को प्राथमिकता से लिया जाएगा, सफेदपोश अपराधी भी नजर में रहेंगे। चुनाव के मद्देनजर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है, महत्वपूर्ण इमारतों का सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा है, चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि ड्रग्स की तस्करी खत्म करने के लिए एनजीओ और नागरिकों की मदद ली जाएगी। पब, लॉन्च, होटल, क्लब्स में अपराध अथवा कुछ भी अवांछित होता तो उसके संचालक पर भी मामला दर्ज करके लाइसेंस रद्द किया जाएगा। बड़े पैडलर को पकड़ना लक्ष्य रखा गया है। नागपुर ड्रग्स तस्करों के लिए ट्रांजिट सिटी है, यहाँ से उनकी खेप गुजरती है। आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण देकर साइबर सेल की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। साइबर इंडस्ट्रियल समिट आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन हथियार की बिक्री के सवाल को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर सिंघल ने कहा कि इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आयुक्त ने शहर में ट्रैफिक की समस्या होने की शिकायत को स्वीकार करते हुए कहा कि इसे सुधारना उनकी प्राथमिकता है। ऑटो चालकों द्वारा आतंक मचाए जाने के सवाल पर कहा कि नियमों का सभी को सख्ती से पालन करना होगा। पुलिस कर्मियों की अपराध में लिप्तता की घटनाओं की चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंघल ने कहा कि बदमाश हर जगह होते हैं, ऐसे कर्मियों को उनकी असली जगह दिखाई जाएगी। साइबर रिलेटेड क्राइम है, दर रोज तो बढ़ता है, त्याच्यात फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करणे किंवा हॅकिंग करणे, तो ते सगळे सोशल मीडियावर तसे प्रकार आता घडता है। तर आमचे जे सोशल किंवा सोशल युनिट आहे, सायबर क्राइम युनिट आहे, त्याला अजून सक्षम करण्याची गरज आहे, ते आम्ही करणार आहे, जेणेकरून कोणीही जर आमच्याकडे आला तर त्याची कंप्लेंटवर तातडीने कारवाई होईल। कारण हे सगळे जे सायबर रिलेटेड इश्यूज आहे, जे क्राईम आहे, तो जो माणूस करणार आहे क्राईम, त्या तो माणूस कुठेतरी आपले फुटप्रिंट्स सोडतो, म्हणजे सायबर फुटप्रिंट्स तो आपले सोडतात,
तर ते प्रिंट आपल्याला मिळाले पाहिजे. तिथून आपण कसे तो क्रिमिनल आहे त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकतोय, ते आमची कारवाई त्या डायरेक्शनमध्ये चालू राहणार. आणि त्याला अजून सक्षम, त्याला अजून सॉफ्टवेअर देणे किंवा ट्रेनिंग देणे हे सगळं आम्ही ते चालू ठेवणार आहे. आणि इन दिस डायरेक्शन आय थिंक इट इज ऑलरेडी और ऑलवेज एन अपकमिंग फील्ड. तसेच जे द इकॉनॉमिक क्राईम, द व्हाईट कॉलर क्राईम्स, ज्याच्यात लोकांचे भरपूर पैसे लोक हडपतात किंवा ते जे इकॉनॉमिक ऑफिसेस आहे, फायनान्शियल फ्रॉड्स जे आहे, तर हे फ्रॉड्सबद्दलही जागरूकता लोकांमध्ये कसे येईल तर त्यासाठी आम्ही काम करणार. जसं आम्ही सांगितलं सायबर आहे, त्याच्यात सायबर अम्बॅसिडर्स आम्ही क्रिएट करणार आहे, ज्याच्यात आपण जे मुले आहे, यंगस्टर्स आहे, मुली आहे, जे शाळामध्ये जाऊन तिथे ते त्याच्याबद्दल अवेअरनेस क्रिएट करतील. त्याच्यात जसं मी नाशिकमध्ये असताना चार प्रकारचे आम्ही पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन्स बनवली होती, ती शाळेसाठी वेगळी होती, कॉलेजसाठी वेगळी, सोसायटीसाठी वेगळी आणि कमर्शियल याच्यासाठी वेगळी होती. मग असे ह्या डायरेक्शनमध्ये पण आम्ही काम करणार आहे. जे एन जी ओज आहे ते समाजामध्ये राहतात, तर त्यांचेही आपण कसे ते सहभागी आमचे कामात होऊ शकतात ते आम्ही करू. एक महत्वपूर्ण अजून मुद्दा आहे, तो आहे ड्रग्सचा. ड्रग एक फार सिरियस शेप घेतो आहे, तर त्याच्याबद्दल आपण काम कसे करू शकतो. जो आपला एन डी पी एस युनिट आहे नार्कोटिक्स रिलेटेड, तर त्या युनिटलाही अजून सक्षम आपण करू. एम डी सारखे जे ड्रग्स आहे किंवा गांजा वगैरे आहे किंवा स्मॅक, हे जे आहेत ड्रग्स, तर त्याच्याबद्दल आम्ही आलो होतो. त्यावेळेसच मी सगळ्यांना एक लेटर्स इश्यू केलेले आहे सगळे पब्सला, की तुमच्याकडे जर अशी कुठली घटना घडली किंवा दिसली तर यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. तुमचं असं नाही आहे की तुमच्याकडे एखादी घटना घडलेली आहे, बाचाबाची झालेली आणि तुम्ही तुमचे गार्ड्सनी किंवा जे बाउन्सर्स असतात त्यांनी बाहेर काढून टाकलं आणि तो मुद्दा तिथे संपला. त्याच्यानंतर बाहेर जाऊनही केसेस होतात, मर्डर्स होतात, ही तुमची जिम्मेवारी राहील की तुम्ही जे जे घटना घडलेली आहे त्याच्याबद्दल आम्हाला सांगावे. तसेच तुमचे जे CCTV फुटेज वगैरे आहे ते व्यवस्थित तुम्ही ठेवली पाहिजे, जेणेकरून ती आम्हाला कधी जेव्हा गरज पडली ती आम्हाला पाहता येईल. आता समोर आपले इलेक्शन्स आहे, तर इलेक्शनसाठी पण आपली आपल्याला तयारी करावा लागेल. आपल्याकडे इथे मी नाव घेणार नाही, भरपूर मोठे इन्स्टॉलेशन्स आहे, त्या इन्स्टॉलेशन्सची सुरक्षा ठेवणे, त्याच्या ऑडिट घेणे, ते सगळे काम आपले आहे. तर त्याच्यासाठी वेगवेगळी यंत्रणा आहे, ते आपले काम करतात आहे. परंतु बीइंग दी सिव्हिलियन पोलीस, दिस विल बी आवर ड्युटी, दिस विल बी आवर जॉब टू गेन और गॅदर इन्फॉर्मेशन अँड वर्क ऑन दॅट इन्फॉर्मेशन, वेदर दिस इन्फॉर्मेशन इज ट्रू ऑर नॉट. द पॉइंट इज दॅट दॅट इन्फॉर्मेशन हॅज टू बी टेकन टू अ लॉजिकल कन्क्लुजन सो दॅट देअर वी एंड येस वी हॅव डन इट and this is the fact and these facts will be told to the relevant or the concerned departments. So this is what I wanted to tell you, and children should be safe, they should feel safe. My idea is to that the create the feeling, that perception of safety. Aapun apne kade crime ghatlela hai, crime zalela hai, that's the part of reporting. परंतु ज्यावेळेस मी रात्री इथे फिरतो, माझी मुलगी ज्यावेळेस इथे फिरती आहे, त्याला असं वाटलं पाहिजे की ती सेफ सिटीमध्ये फिरती आहे. ही जे परसेप्शन आपल्याला क्रिएट करायचे आणि ही जिम्मेवारी आमची आहे, याच्यासाठी आम्ही काम करणार. मी मागील एक महिन्यामध्ये सगळं क्राईम पॅटर्न ॲनालाइज केलेलं आहे, क्राईम बघितलेलं आहे, आणि तुमच्यामधूनच भरपूर लोकांनी मला भरपूर इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. ते सगळी इन्फॉर्मेशन्सवर आम्ही काम करतोय आणि हे आमची कारवाई पुढे चालू राहणार आणि तुमच्या सहकार्याची आम्हाला गरज पडणार. तुम्ही प्लीज बी देअर विथ मी, जस्ट वेट फॉर अनदर मे बी फ्यू डेज. आय थिंक वी विल चेंज द परसेप्शन, वी विल चेंज द क्राईम सिनारिओ इन द सिटी अँड यू विल फील दॅट काहीतरी बदलाव झालेला आहे. मी हे म्हणत नाही की माझ्या अगोदर लोकांनी काम केलेलं नाही आहे, भरपूर मेहनत सगळ्यांनी केलेली आहे, परंतु माझं असं म्हणणं आहे की व्हॉट डिफरन्स आय क्रिएटेड. मी
31 तारीखला जानेवारीला ज्यावेळेस आलो आणि मी ज्यावेळेस इथून माझा ट्रान्सफर होईल त्या दरम्यान मी काय काय बदलाव आणू शकलो, काय काय चेंजेस मी आणू शकलो, व्हॉट डिफरन्स आय हॅव बीन एबल टू क्रिएट अँड दॅट विल बी द बेस्ट रिवॉर्ड व्हेन आय लीव द सिटी. ही माझा प्रयत्न राहील आणि आय विल बी व्हिजिबल इन द सिटी. कधी तुम्ही मला भेटू शकता, माझ्याकडे येऊ शकतात. काही वेळेस असा असू शकतोय की मी बिझी आहे, मी भेटू शकलो नाही किंवा तुमच्या फोनने येऊ शकलो. सो प्लीज बिअर विथ मी. इस मौके पर पत्रकार भवन ट्रस्ट के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मित्र तथा नागपुर यूनियन श्रमिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष शिरीष पुरकर उपस्थित थे. कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट.